बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी खैर खैरियत से। अल्लाह पाक सबको हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ दे। तो इसी के साथ करती हूँ जी आज की वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज की वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि आज संडे का दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहा है। सुबह की मशीन लगाई हुई थी तकरीबन 7 बजे की, 6-7 बजे की लगाई हुई थी। पका नहीं जाता कि 6 बजे थे या 7 बजे थे, इतने बजे मशीन लगाई थी। तो अभी बंद की है, तो अभी सारी साफ़ सफाइयाँ भी की हैं, बाकी सारी मैंने कर ली हैं। अभी जो काम कर रहा है वो भी दिखाती हूँ मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर। माशाल्लाह जी मेरा कबीर हसन दरवाज़े साफ़ कर रहा है ये। इधर ना जो थोड़ा बहुत कोई, असल में इधर किचन है, किचन जब दरवाज़े बंद करके चलाते हैं ना सिलेंडर, तो ये इधर से भी पानी और पानी हो जाता सारे बाहर टैलों के भी, अंदर किचन की भी सफाई मैंने की आज। ये सारी टैले वगैरह मैंने सर्फ लगा के कपड़ों के एक दफ़ा साफ़ किया, फिर इस तरह दूसरा सारे आटा शाटा जो इधर पड़ा था वो भी सारा डाल जिधर जिधर डालना था। तो अभी माशाल्लाह जी किचन साफ़ सुथरी हो चुकी है। अभी जो मैंने काम करना है जो चूल्हा शुल्ला भी साफ़ दोबारा हर चीज़ की है। तो अभी कबीर बेटा मेरा लगा हुआ है जी। ये पानी जो इधर खड़ा है ना थोड़ा बहुत दरवाज़ों के ऊपर जो नीचे इधर, तो बाकी सारे कपड़े शपड़े भी धुल गए हैं। बाकी इधर कपड़े ला के कुछ रखे हैं, बाकी तार पे हैं ऊपर, वो बाद में लेके आऊँगी क्योंकि आज सारा दिन यही काम रहा है। अभी बच्चों को नहलाया, बच्चों को तो सुबह सुबह ही नहला दिया था ना, तो बाद में लाइट चली गई थी। आज लाइट माशाल्लाह रही है, वरना 9 बजे से संडे रात को भी नहीं जाएगी। चलो ठीक है, फिर आप लोग टीवी देख लेना ना, तो मैं अपने कपड़े शपड़े आपकी यूनिफॉर्म वगैरह जो भी काम है वो कर लूँगी। जे इधर से भी साफ़ करो ना, इधर से भी, इधर से भी अच्छी तरह। जे इधर भी रहता, जे इधर भी देखो, जे वाला भी, जे इधर से भी रहता है, इधर से भी, जे भी साफ करो। जी अच्छा, अभी ये तो इतना साफ करना जड़ा सारा। बाकी जी अभी जो स्पेशल काम मैंने करना है, बच्चे मेरे काम कर रहे हैं लेकिन मैंने, मेहमा किधर है? चलो जी, ये भी दरवाज़ा साफ सुथरा कर लिया जो कि पेंट के ऊपर आ जो भी क्या पैसे मेरे, जो पैसों का बनाया की है सिर से कैब लो, शाम हो गई हूँ। हाँ जी जी, अभी मैंने बहुत ही स्पेशल काम करना, पहले मैंने वो चीज़ कभी नहीं बनाई, तो आज बच्चों की ज़िद है कि मम्मा जी हमें बना के दो। ज़्यादा ज़िद है मेरे समीर बेटे की, तो बाकी बच्चे तो मान जाएंगे, लेकिन पहले मैं आटा गूंथती हूँ तो उसके बाद बनाना स्टार्ट करती हूँ। नहीं नहीं फरिश्ते नहीं माना इन्ना नहीं, बस हूँ तुम इधर किचन च आके मेरे को बैठ जाओ, तो दरवाजे कुंडी शुंडी ला दो हर चीज़, बाकी हूँ अपना खाने पकाने का कोई इंतजाम कर लीए, बाकी कम हो बाद बार गेट की कुंडी लाओ ना, समीर न बुलाओ अंदर, तो मैं आटा गोलना पहले, नाल मैं बनानी है चाय, चाय पीने तो नाल सारे काम फिर होंगे रहनगे साढ़े हैं। तू पिनी खा ले, तुम पिनी खा लो ना। हाँ जी जी, सिर तो तुम कैप ना लियो। अच्छा टीचर साहब, एक टीचर है ना जी मेरी, डॉक्टर है मैम। अल्लाह पाक मेरी बेटी नू जी इन्ना सबक जल्दी जल्दी याद हो जा करे, लाइक बनाए, जहीन बनाए, तो अल्लाह पाक मेरी बेटी की किस्मत अच्छी करे, सारिया बेटियां दी जिन्या भी इस दुनिया से सब की भी किस्मत अच्छी करे, तो अल्लाह पाक मेरी बेटी नू डॉक्टर बना दे। जी आटा गूंथती हूँ पहले मैं, बाकी वो बाल्टी भर गई है ना, ड्रमी भी भर गई है, तो हूँ ये बच्चे गुन लेंगे, बाकी फिर जड़ी चीज़ किसी ने खानी हुई। मन रहम जी आटा मैं गुन के रख लिया, तो हूँ मैं बनाने लगी बच्चों वास्ते जो स्पेशल चीज़ अब बनानी है, क्योंकि संडे से बच्चे कह रहे कि मम्मा जी तुम सू कोई चीज़ बना के नहीं दी, तो हूँ बच्चों की जिद मम्मा जी सू कुछ बना के दो, तो बनाने लगी सी। तो एक प्लेट में ले गए सालन वाली चावलों की, एक चीनी की,
तो हूँ आए जी देसी डालडा घ्यू घी तो हूँ आ तवा है तवे असी घी पा लाँगे क्योंकि इस तरह की चीज़ा मैं पहले कभी बनाइया नहीं लेकिन बच्चों की फरमाइश जड़ी कोई होए पूरी भी करनी पैंदी है। मम्मा, दो चम्मच मेरा कबीर हसन मुझे ना साथ साथ बता रहा है कि मम्मा जी ऐसे करें तो ऐसे करना है। इन्होंने देखी हुई है वीडियो, तो वीडियो में जिस तरह बना रहे थे तो कबीर हसन को भी पता है। तो अभी चम्मच से घी इस तरह नहीं उतरेगा, इस तरह थोड़ा सारे पता है, बस तुम सारे आप ही बना लिया होना। फिर घी गर्म हो चुके जी, हूँ असं उपर पाने चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि अब पहली दफा ट्राई कर रहे हैं तो बच्चों ने देखी जी असी आई चीज़ मम्मा सन बना कर दो, तो हूँ घी में असी दिन बुनाई करते हैं। वैसे साको कढ़ाई छड़ाई तो है नहीं है, नॉन स्टिक तो आ तवा ही तवे पर ही भुन लेंगे। देखिए स्पेशल जो की बनता है, बाद फिर ठंडे होने वास्ते रख दें। कबीर सैन कहता कि मामा जी मैं बनाना नहीं आता, सिर्फ बता सकता मैं तेन, तो तुम बनाई जाओ तो मैं थोड़ा दसी जाऊँगा। हूँ असं पहले चावलों की बुनाई कर लें इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, चावलों की असं बुनाई कर ली, भुन गए भुज गए थे सारे चावल। हूँ इन्होंने असी ठंडे करने वास्ते रखते हैं, थोड़े जे खुश्क हो जाने तो बाकी असी फिर इन्हों ग्राइंड करांगे। ग्राइंडर इन्हों के ठंडे होंगे होंगे मैं ग्राइंडर कट के लैके आनी हूँ। इतों जी कटना ग्राइंडर, मशीन तो दूसरी पई है बार, उ देख दी आता कि नहीं आता। टाइम की चावल ठंडे हो गए तो ग्राइंडर के मैं पा ले, तो हूँ इन ग्राइंडर न चलाने बर्फी के लिए जो चावलों का आटा बनाना था बन चुका है, ग्राइंड हो गया है। तो अभी अगला स्टेप मैंने क्या करना है, ये लेती हूँ जी कढ़ाई। कढ़ाई में चीनी पा रही है मम्मी से, कढ़ाई पर चीनी चीनी डाल के चूल्हा ऑन कर लेंगे। अब इसी तरह ही से मेल्ट करना पहले, साथ में लिया है जी जिस बर्तन में चावल लिए हैं चीनी लिए, उसी बर्तन में दूध लिया है कप एक प्लेट। अब
अभी थोड़ा सा इसमें भी जीरा ऐड करना है। चीनी अच्छी तरह ये मेल्ट हो चुकी है, थोड़ी बहुत ये रहती है ये भी कर लेती हूँ। कलर मेरे पास कोई भी नहीं है रंग वगैरह जिसमें डालूं, बस आज बच्चों ने ज़िद की थी इसलिए, क्योंकि चीज़ें तो पूरी है नहीं घर में, लेकिन बच्चे कह रहे थे मामा जी ये काम लाजमी करो। अभी जी इसमें ऐड करना है दूध थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल वरना नीचे से फिर जलनी शुरू हो जाएगी जो चीनी डाली हुई है। ये कैमरा भी मेरे हाथ में है, बस थोड़ा सा पहले डालना। कैमरा मैन है मेरे पास कोई भी नहीं है, ये इस तरह थोड़ा थोड़ा करके डालना है बेटा, आपका हाथ नहीं लग जाएगा पीछे और पीछे छीटा ना जी। ये सारा दूध इसमें मैंने ऐड कर दिया, अब दूध को गर्म होने के लिए छोड़ते हैं। ये बाल्टी शाल्टी बंद करके रख देती हूँ। अभी जी ये गर्म हो गया, अब इसमें ये जो चावलों का पेस्ट बनाया होगा ना, अब ये सारे इसमें ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस तरह चावलों की बर्फी जो बनती है ना, अब ये अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। बर्फ़ी हमारी तैयार होगी पेस्ट हमारा, तो अभी किसी बर्तन में निकालती हूँ, ठंडा होता है तो फिर कटिंग करेंगे इसकी। ये अभी इस तरह डाल देंगे ऊपर, बच्चे कहते हैं कि मेवे वगैरह नहीं डालने, जब ठंडी होगी फिर दो तीन घंटे के बाद देखेंगे। हाँ जी समीर बेटा पसंद आई जा, चलो फिर हूँ ठंडी होने दो, फिर बाद च कटिंग होनी है। तो उत्ते गरी शरी पानी कोई नहीं, कोई जी मेवा शेवा है पालो। ऐसे ही गरी तो पई और ना दूसरी कद्दूकश करके फिर ही पानी, और कड़ा कुछ नशाना बना लिया ते हुन बनाने लगे हैं चाय। आप इस दाने को रखनी हाय हाय सराने रखनी है पीनी है, मैनू सर्दी लगी है उस टाइम की, मैं एक मिनट बैठी नहीं, सराने रखनी है सराने इतने रखती रख के, तो फिर मैं की करना। हाँ सराने रख के सो जा। ठीक है ठीक है, पत्ती भी नहीं पाई ते वाला के चीनी वाला डब्बा खोल खोल लिया डोलना दी, मैं हूँ डब्बा भरिया। तू मेरे काम थोड़े करवाया कर ना, तो पढ़ने वाले ज्यादा ध्यान दिया कर। समीर बेटा हूँ जी कल असी बर्फी बनाई सी चावलों की, उन्होंने कटिंग करन दिया, कहिंदा मैं इस तरह की करनी, मैं इस तरह की कर ला जिस तरह की तू करनी है, जिस तरह की तेन पसंद है उस तरह की करी जा। मैं स्कूल जाना सी, स्कूल चाहे जो टाइम रहा, तो समीर कैब दूसरी भी लिया के जाई बेटा, सर्दी है ज़्यादा।
कर लो जल्दी करो। ये रात सारी पे रही तो ज्यादा सख्त हो गई है। ਨਾਲੇ ਸਾਕੋ ਟ੍ਰੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡੂ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਮਠਾ ਮਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਭੁੱਖ ਸੁੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਮਸਾ ਬਣਾ ਲਈ ਚਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਈ ਜਾ ਨਾ।